क्या छठा है गोमती नदी का किनारा, उस पर ऋषिकेश की तर्ज पर बनाया हुआ झूला पुल, और इधर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर झूले के दूसरी तरफ। बड़े आनंद वाला वातावरण। राजा रणछोड़ जी भगवान के यहाँ दिन में लगभग 10-12 बार ध्वजा चढ़ाई जाती है बड़े उत्सव के साथ में। द्वारका में कौन छे राजा रणछोड़ छे, और गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, द्वारकाधीश की जय इन उत्सव के साथ में। और ऐसा ही एक पल हमने कवर किया जब द्वारकाधीश की ध्वजा फहराई जा रही है। देखिए कितनी ऊंचाई पर ध्वजा फहराने की ये पक्षी। जय द्वारका श्री माधव।
सा स्वर्णिम पल है। बोलिए द्वारकाधीश की जय। इस प्रकार से ध्वजा फहराई गई और इस प्रकार 10-12 बार दिन भर में उत्सव होते हैं ध्वजा फहराने के। जय द्वारका। ये भेंट द्वारका जाते हुए हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आए हैं। रास्ते में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हुए। भेंट द्वारका के लिए जाते हुए जय भोले शंभो मंगल विश्वध्वज मंगल पार्वती मंगल पार्वती मंगल मंगल नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद हम पहुंचे गोपी तालाब। मान्यता है कि अर्जुन जब गोपियों को लेकर के और मथुरा वृंदावन जा रहे थे भगवान के स्वलोक गमन के बाद में, तो यहाँ भीलों ने गोपियों को लूटने का प्रयास किया था। तब गोपिकाओं ने यही समाधि लगा ली थी और कृष्ण को पाया था। इस प्रकार ये गोपी तालाब बड़ा पवित्र तालाब माना जाता है। जय श्री कृष्ण। भेंट द्वारका या बेट द्वारका एक द्वीप है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और हमें वहां जाने के लिए मोटर बोट का सहारा लेना पड़ेगा। और कोई रास्ता फिलहाल नहीं है। एक पुलिया बन रही है
जो अभी तैयार नहीं है, जल्दी ही ये तैयार हो जाएगी, तब जल यात्रा के बजाय उस पुलिया से जाना होगा। ये जल यात्रा मोटर बोट से हमें तय करनी है बेट द्वारका के लिए। जय श्री कृष्ण। समुद्री यात्रा पूर्ण होते ही हम पहुंच गए द्वारकाधीश की नगरी बेट द्वारका में। मान्यता है कि सुदामा जी की भेंट कन्हैया से यहीं हुई थी और द्वारकाधीश का ये घर का पता है। जो मुख्य मंदिर है द्वारकाधीश का, वो उनका राज दरबार है और यहाँ उनका होम एड्रेस है। जय द्वारकाधीश। गोविंद माधुवेती श्री कृष्ण है मोरारे, गोविंद माधुवेती श्री कृष्ण है मोरारे, आए शरण बिहारी सहारे, गोविंद माधुवेती। का में ही हम ऐसे स्थान पर पहुंचे जो पूरे भारत में कहीं भी नजर नहीं आता, और ये स्थान है भगवान हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज के नाम से। ये मकरध्वज हनुमान जी का मंदिर आज दर्शन करके हम धन्य हो गए। जय भोले, जय हनुमान जी महाराज की। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी
जी चलेना हनुमान के बिना। गोविंद माधुवेती श्री कृष्ण है मुरारे। गोविंद माधुवेती श्री कृष्ण है मुरारे। आरे शरण तिहारी सहारे। गोविंद माधुवेती श्री कृष्ण है मुरारे। गोविंद माधुवेती श्री कृष्ण है मुरारे। आए शरण तिहारी आए शरण तिहारी तीनों के है सहारे। गोविंद माधुवेती कृष्ण है मुरारे। गोविंद माधुवेती कृष्ण है मुरारे। ऋषिकेश महाबाहो भगवन मधुसूदन नमस्ते देव देवेश सर्व देवनाशक मत्स्यरोपाय ते विष्णु वेदान्निवते नमः। सत्यव्रतेन सद्राज्ञा प्रलयाभिहारिणे आहे शरण तिहारी शरण तिहारी तीनों के है सहारे। गोविंद माधुवेती कृष्ण है मुरारे। गोविंद माधुवेती सिंधु रमानाथ पाहिना शरणागतम। कृपा सिंधु रमानाथ पाहिना शरणागतम। जलंधरेण देवाश्च स्वर्गात् सर्वे निराकृता। जलंधरे
जाना देवाश्च स्वर्गा स्वर्गे निराशता आने शरण बिहारी श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण के लिए श्री द्वारकाधीश का ये प्रवास अपनी पूर्णता को पहुंचा और हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए रवाना हो गए ट्रेन से। और ये ट्रेन की यात्रा भगवान सोमनाथ के दर्शन कराने के लिए जारी है। जय बाबा सोमनाथ। भगवान शंभो मंगलम वृषभ ध्वज मंगलम द्वारा सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त किए जाने के बाद इंदौर की महारानी पुण्य श्लोका अहिल्याबाई के द्वारा निर्मित ये सोमनाथ का मंदिर जो उस ध्वंस के बाद में पूजित होता रहा, यहाँ हमने अभिषेक किया और दर्शन किए नए मंदिर में बाबा सोमनाथ के। जय बाबा सोमनाथ। मंगलम भगवान